नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे और मैं हूं आपके साथ छवि। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव हुजूर नगर निवासी खुशनूद देर रात अपने खेतों में पानी चलाने के लिए गया था, जहां अज्ञात लोगों ने उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी। सुबह जब खुशनूद अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी तलाशने के बाद खुशनूद का सर कटा शव उसी के खेत के दूसरे छोर पर मिला, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेने के बाद परीक्षण के लिए मोर्चरी में भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने अपने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं घटना के संबंध में मृतक के चाचा इमरान ने बताया कि खुशनूद मेरा भतीजा है और वो शाम के समय खेत में पानी देखने गया था, लेकिन वहां से लौट कर नहीं आया। इसकी पत्नी अपने घर गई हुई थी। खुशनूद सुबह 4 बजे तक घर वापस नहीं आया तो हम ये सोचने लगे कि वो अपने कमरे में आकर सो गया होगा, लेकिन ये अपने घर पर नहीं आया। इसके पश्चात इसकी माँ ने इसे उसके कमरे में देखा तो वो वहां पे भी नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने इसकी छानबीन शुरू की और जब हम जंगल में गए तो देखा कि खेत के किनारे रास्ते में ये पड़ा हुआ था। इसकी किसी से भी कोई रंजिश नहीं थी, ये बहुत ही सीधा साधा लड़का था। वहीं घटना के संबंध में सीओ बुढ़ाना विनय गौतम ने बताया कि थाना शाहपुर क्षेत्र के हुजूर नगर गांव में एक 32 वर्षीय युवक खुशनूद का शव उसी के खेत में किनारे पर पड़ा हुआ है। मृतक युवक का गला रेता हुआ है। घटनास्थल पर पहुंची हमारी टीम जांच कर रही है। मौके पर फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड मौजूद है जो जांच कर रही है। अभी मृतक के पिता की तरफ से हत्या की कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर के आधार पर घटना का शीघ्र अनावरण कर दिया जाएगा। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जानकारी जुटाई जा रही है। शीघ्र ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। आपका नाम? इमरान प्रधान जी। कौन सा गाँव है? हजूर नगर। क्या मामला है? मामला ये हुआ जी, मेरा भतीजा था, ये जो है खुशनूद नाम था उसका। ये शाम के टाइम पानी देखने के लिए गया था, ऐसा करीबन 6 बजे करीब जंगल में। तो ये वहाँ से लौट कर नहीं आया। इसकी घरवाली जो है फरजाना अपने घर गई हुई थी बस झाड़ा इसकी शादी हुई। तो 4 बजे तक जब घर में नहीं आया तो हम तो सोचते रहे, इसकी माँ भी सोचती रही, सब जो है निचले वाले सोचते रहे अपने कमरे में पड़ गया होगा। लेकिन जो घर नहीं आया, उसकी माँ ने सुबह 4 बजे देखा तो यह कमरे में नहीं था। उसने हम उठाए, हम जब देखने के लिए गए थे, मतलब इधर उधर बहुत गांव वाले गए, सभी जो है सबने मतलब प्रयास किया तो वहाँ से ही पड़ा मिला जी। रास्ते के किनारे एक नाली थी, वहाँ से पड़ा मिला। मरकज क्या लगता था? भतीजा जी। किसी को कोई सर तक तो इसको मामला कहीं था जी, जो मतलब बिल्कुल जैसे इतना सीधा लड़का था, इसको कोई किसी की दुश्मन आगे नहीं थी, कुछ नहीं थी, हर आदमी के लाल बोलता था, चलता था। सर, खेत में युवक का शव मिला है, क्या पूरा मामला? ये थाना शाहपुर क्षेत्र में एक गांव पड़ता है हुजूरपुर। आज सुबह सूचना आई कि वहां पे खुशनूद एक युवक है जिसकी उम्र 32 वर्ष है, उनके पिता का नाम मेहरबान है, उनका शव उनके खेत के पास ही पड़ा हुआ है रक्त रंजित हालत में। सुबह हम लोग पहुँचे मौके पर, घटनास्थल पर, तो देखा उनका गला जो है चापड़ से काटा हुआ है और डेड बॉडी वहीं खेत के पास उनकी पड़ी हुई थी। डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट और जो फील्ड यूनिट की टीम है वो मौके पर काम कर रही हैं। सब अपना जितना भी आसपास से घटनास्थल से सबूत तलब कर सकते हैं वो करे जा रहे हैं। अभी उनके पिता ने हत्या की तहरीर नहीं दी है, जैसे ही वो तहरीर देंगे मुकदमा पंजीकृत करके उसका शीघ्र उसके अनावरण का प्रयास किया जाए। सर, प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है हत्या के कारण? अब हत्या का तो अभी एंगल, वो उनकी कोई रंजिश तो ऐसी है नहीं, कोई रंजिश परिवार बता नहीं पा रहे भी कोई रंजिश है। अभी उनकी वाइफ भी मायके गई हुई है, आज जब उनकी क्रियाक्रम सब हो जाएगा तो उसके बाद परिवार वालों से बात करेंगे, वाइफ से बात करेंगे, उनके ससुराल वालों से बात करेंगे, परिवार के और सदस्यों से बात करेंगे, तो कुछ ना कुछ हम नतीजे पर पहुंचेंगे। और सर, ग्रामीणों ने घंटों शव निकाल दिया? हाँ नहीं, वो थोड़ा सा वहाँ रोष था क्योंकि वो सब लोग उससे प्यार करते थे, वो लड़का बताते हैं सबका प्रिय था, उसके 3 भाई सऊदी अरब में रहते हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली कोई सिचुएशन नहीं थी। लोग ये चाहते थे कि उसके 2 बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ हो। SDM साहब भी आ गए थे मौके पर और हम लोग करेंगे जो भी परिवार के लिए कर सकते हैं। जी, थैंक यू।